नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के इस वीडियो में दोस्तों मेटल सेक्टर के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूं, जहां पे जबरदस्त दोस्तों स्टॉक में गिरावट आ रही है और उसकी वजह से सारे इन्वेस्टर परेशान हैं। कुछ लोगों का बोलना है कि अभी क्या मेटल सेक्टर में तेजी खत्म हो गई, जो साइक्लिक स्टॉक माने जाते हैं मेटल सेक्टर को, आगे इसमें क्या रणनीति होनी चाहिए, कौन से लेवल पर गिरावट रुक सकती है, उसके ऊपर दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों। और अभी आपको दिख रहा है दोस्तों मेटल सेक्टर में 6.60% की गिरावट आ रही है दोस्तों, और पाँच देख भी बात करें तो दोस्तों 9% से ज़्यादा की गिरावट है। और पिछले एक मंथ में दोस्तों जो पूरा ग्रोथ आया था वो सारा वाइप आउट हो चुका है और 0.34% का दोस्तों मूवमेंट आया है। अगर सिक्स मंथ की बात करें तो दोस्तों अच्छी तेज़ी रही है मेटल सेक्टर में और हमने बहुत सारे पैसे बनाए हैं, बट दोस्तों पिछले एक आध मंथ से जो गिरावट का सिलसिला स्टार्ट हुआ है और उसमें जो लीजेंड स्टॉक है दोस्तों उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। चलो देखते हैं कौन कौन से स्टॉक ने पार्टिसिपेट किया है और क्या गिरावट है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोस्तों बिल्कुल सतर्क दोस्तों परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे तो टाटा स्टील में 10% की गिरावट है, जिंदल स्टील में -9.70% की गिरावट है आज के दिन के अंदर दोस्तों, नालको -8, NMDC -8, GSW स्टील -7, यानी कि सब में सेल पकड़ लो, सब में दोस्तों जबरदस्त गिरावट आई हुई है दोस्तों। और अगर 30 दिन की दोस्तों अगर बात कर लीजिए तो वहाँ पे भी टाटा स्टील ऑलमोस्ट 16% से ज़्यादा है, जिंदल स्टील में भी जबरदस्त है और दोस्तों NMDC में -20% के आसपास है। और यहाँ पे तो दोस्तों APL अपोलो -43% की गिरावट है दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा गिरावट का दौर शुरू हो चुका है इसमें। अब क्या इसमें लेवल सही आ गए हैं या हमें अभी भी इंतज़ार करना चाहिए, तो सारे स्टॉक के ऊपर वन बाय वन हम दोस्तों डिस्कस करते हैं दोस्तों। आपको पता है दोस्तों मेरे चैनल में मैंने बहुत सारे स्टॉक मेटल सेक्टर हमने बहुत ही ज़्यादा पहले किए थे निवेश और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया हुआ है दोस्तों। तो पहला मार्केट लीडर स्टॉक है दोस्तों टाटा स्टील। हर बार मार्केट में तेजी या मंदी के जो साइंस आते हैं वो दिग्गज से आते हैं दोस्तों, तो दिग्गज स्टॉक टाटा स्टील के ऊपर दोस्तों जरा नज़र डालते हैं। अभी का प्राइस जो है दोस्तों 12,1253 है दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों आपको अलग अलग सी लाइन दिख रही है तो आप सारी लाइनों को अवॉइड कीजिए क्योंकि वो सब पुरानी है दोस्तों। 909 का ब्रेकआउट, 959 का ब्रेकआउट जहाँ पे हमने एंट्री ली थी दोस्तों उसको भूल जाइए। ये दोबारा जो ब्रेकआउट आया था हाई बनाने के बाद का 11182 वो ब्रेकआउट है, उसको आप अभी छोड़ दीजिए। सिर्फ एक ही चीज़ को कंसीडर कीजिए दोस्तों, गिरावट को पकड़ने का सटीक फॉर्मूला ये होता है दोस्तों रिट्रेसमेंट लेवल। दोस्तों स्विंग लो हमने कैलकुलेट किया है 3 अप्रैल 2020 का, जो स्विंग लो आया था 250 रुपीज़ का, वहाँ से दोस्तों स्विंग हाई बना है 1534 का, और वो जो लेवल आ रहा है वो 1231 है, तो दोस्तों बहुत ही नज़दीक आ चुका है टाटा स्टील में। अब ये लेवल क्यों इम्पोर्टेंट माना जाएगा, इसको कंसीडर किया जाए कि नहीं किया जाए 23.6% के रिट्रेसमेंट में टाटा स्टील में, चलो थोड़ा दोबारा हम वापस से चलते हैं। रिट्रेसमेंट जो हमने लिया है वो हम रिमूव कर देते हैं दोस्तों, और ये वीकली चार्ट के ऊपर का रिट्रेसमेंट रिमूव किया और जो प्रीवियस हाई बना था वो यहाँ पर था दोस्तों, ये हाई था यहाँ पर, ये बना यहाँ पर दोस्तों, तो प्रीवियस हाई में 11191 था और वहाँ से भी टच नहीं आया है दोस्तों। अब ये लास्ट टू गिरावट की बात हो चुकी है, अब अभी का तो रिट्रेसमेंट हमें पता नहीं है। अब तीसरा दोस्तों रिट्रेसमेंट हम लेते हैं जो प्रीवियस हाई बना था, यानी कि ये स्विंग लो से बना ये हाई बन गया दोस्तों, यहाँ पे भी दोस्तों करेक्शन जम के आया था हाई बनाने के बाद, और दोस्तों 23.6% का रिट्रेसमेंट नहीं बना था। आपको अगर याद नहीं हो तो पुराने वीडियो मेरे चैनल के देख लीजिए, यहाँ पे मैंने बोला था कि दोस्तों दिग्गज स्टॉक इसको ही माना जाता है कि यहाँ पे टच नहीं हुआ था दोस्तों, और वो चीज़ सिर्फ इसमें नहीं टाटा स्टील में भी हुई थी और JSW स्टील में भी हुई थी दोस्तों, दोनों में टच नहीं हुआ है। बट इस बार जो दोस्तों मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे जो लेवल आ चुका है वो आपको नोटिफाई करके रखना है, और जो लेवल आया है दोस्तों हमारे पास निकल के वो आया है लेवल 12331.56 का, यानी कि 1230 का आप स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे पुल बैक के लिए तैयार रह सकते हैं। अगर वो लेवल टूटता है तो दोस्तों और नीचे के लेवल हमें मिलेंगे, और 38.2% का रिट्रेसमेंट बहुत ही ज़्यादा दूर है दोस्तों 1044, बट
जो हमें हिस्ट्री सजेस्ट कर रही है और जो मार्केट में बुल रन चल रहा है उस हिसाब से दोस्तों स्टॉक में यहाँ से मूवमेंट बदल जाना चाहिए। अब दूसरे स्टॉक के ऊपर बात करते हैं दोस्तों। दूसरा स्टॉक बेहतरीन रिटर्न देने वाला स्टॉक JSW स्टील। दोस्तों ये भी JSW स्टील का दोस्तों वीकली चार्ट है। दोस्तों यहाँ पे वीकली चार्ट के ऊपर आपको दिख रहा है दोस्तों, क्लियर मैसेज है आपके लिए कि यहाँ पे भी स्टॉक 623.78% का ही रिट्रेसमेंट आ चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों 23.6 का रिट्रेसमेंट 623 है और अभी का 633 का प्राइस है। तो दोस्तों बेहतरीन आपको मिल जाएगा यहाँ से भी लेवल, आप एक दोबारा यहाँ से स्टॉक में मूवमेंट अपवर्ड हो सकती है दोस्तों। तो नोट डाउन कर लेना इस लेवल को दोस्तों आप। अब तीसरे स्टॉक के ऊपर हम बात करते हैं, उसका नाम है वेदांता। वेदांता दोस्तों जब बुरा न्यूज़ आया था तब भी मैंने इसको कवर किया था और आपको बोला था कि इसको पकड़ के रखना, और दोस्तों वहाँ से भी हमें काफ़ी अच्छी तेज़ी मिली। वही लेवल दोस्तों इस बार भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 275 का लेवल। क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे आपको एक ब्लू लाइन दिख रही है, वो ब्रेकआउट की लाइन है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों एक रेजिस्टेंस लेवल बना था, उसको तोड़ा और फिर वहाँ पे कंसोलिडेट करने की कोशिश की। स्विंग लो से स्विंग हाई हमने रिट्रेसमेंट निकाला है, वो लेवल भी 223.6 आया था। लास्ट टाइम यहाँ पे दोस्तों यहीं से ही अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट किया था और स्टॉक जाके आया था दोस्तों 317 का। अब दोबारा 275 के आसपास आए तो आप क्लोजिंग बेजिस के ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं और फिर इसमें अच्छा मूवमेंट बन सकता है दोस्तों। अगर वो लेवल टूटता है तो फिर 38.2% का रिट्रेसमेंट 234 आएगा दोस्तों। अब हम चलते हैं नालको के ऊपर दोस्तों। नालको दोस्तों पूरे सेक्टर में दोस्तों अलग सा थोड़ा सा उसका चार्ट है, बट यहाँ पे भी दोस्तों 23.6% का रिट्रेसमेंट जो आ रहा है वो 84 रुपीज़ के आसपास आ रहा है, और जो उसका ब्रेकआउट लाइन आ रहा है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन वो 83 के आसपास आ रहा है, यानी कि 83-84 का ज़बरदस्त सपोर्ट लेवल है और उसी को सपोर्ट लेके स्टॉक में यू टर्न आना चाहिए। और ये स्टॉक है जो अभी रिसेंटली एल्यूमिनियम कमोडिटी में प्राइसिंग बढ़े थे और बहुत ही ज़बरदस्त दोस्तों मूवमेंट आया था। जब मैंने वीडियो बनाया था तब बोला था कि ये 97-98 का लेवल दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है, अगर उसको तोड़ेगा तो हमें बहुत ही अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। बट दोस्तों वो तोड़ नहीं पाया, 2 वीक का कंटिन्यूस हाई बनाया और फिर वापस से हमें नीचे 23.6% के रिट्रेसमेंट के आसपास अभी आ चुका है दोस्तों, और उसका 38.2% का रिट्रेसमेंट 72.63% है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको ध्यान रखिए। और जनरली सर दोस्तों देखा जाता है कि जब भी जैसे स्टॉक में खराबी आती है तो जो जो स्टॉक 23.6% के रिट्रेसमेंट को लेते हैं जो हर बार वहाँ से आते हैं, अगर वो टूट जाता है तो फिर बहुत जल्दी 38.2 के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों। बट यहाँ पे चांसेस ज़्यादा है, जो हमने स्टॉक डिस्कस किए हैं कि वहाँ से पुलबैक आने की संभावना है क्योंकि सेलिंग प्रेशर बन चुका है। बट दोस्तों जो ग्लोबल मार्केट में फियर है उसकी वजह से शायद से ये जो 23.6% का रिट्रेसमेंट को वो एंटरटेन ना करे और वो 38.2 तक जा सकते हैं। दोस्तों ये सारे मेरे पर्सनल व्यू है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर इसमें ट्रेड या निवेश की सलाह देते हैं तो दोस्तों आप इसमें ज़रूर से अपने पैसे लगा सकते हैं दोस्तों। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।